तो हे वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हमारे पास यहाँ पर है एक कीपैड मोबाइल और गाइस यहाँ पे हमारे पास है एक बुलेट बम। तो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे, इस बुलेट बम को इस कीपैड मोबाइल के साथ जो है इस तरीके से रख कर और गाइस आपस में इन दोनों को चिपका कर और जलाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो कीपैड मोबाइल है इसका क्या हाल होता है। क्या ये जो हमारी सैमसंग की कीपैड मोबाइल है ये इस बुलेट बम के पावर को संभाल पाएगी या फिर नहीं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो गाइज, आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रही हमारी मोबाइल। और गाइज, इस मोबाइल का हाल आप लोग देख सकते हैं कि इस मोबाइल का जो बटन है वो सारा उड़ चुका है गाइज। और ये मोबाइल जो है वो बिल्कुल ख़राब कंडीशन में, ये अच्छी नहीं है। तो गाइज, हम लोग इसका पावर टेस्ट करने वाले हैं इस बुलेट बम के साथ। तो गाइज, चलिए फटाफट से जो है इस बुलेट बम को इस मोबाइल के साथ जो है गाइज हम लोग अटैच करते हैं। तो गाइज, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा धागा लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइज, हम लोग क्या करेंगे, इस बुलेट बम को गाइज इस मोबाइल के फ़ोन में कुछ इस तरीके से रख देंगे। और गाइज, हमारे पास यहाँ पर एक धागा, तो गाइज इस धागे की मदद से इस बुलेट बम को हम लोग मोबाइल में बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइज बांधेंगे, ताकि जब हमारा बुलेट बम गाइज फटे तो हमारा जो मोबाइल है वो इधर उधर ना हो। और गाइज, बुलेट बम जब फटता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पावर निकालता है, तो जिससे हमारी मोबाइल है इधर उधर ना जाए। इसलिए हम लोग जो है इस बुलेट बम को इस मोबाइल के साथ इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से बांधेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बुलेट बम है वो मोबाइल के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बांध दिया है। और गाइस, अब चलिए इसे जलाते हैं और देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का क्या हाल होता है। क्या ये जो सैमसंग की मोबाइल है वो बुलेट बम के पावर को झेल पाएगी, इस बुलेट बम ब्लास्ट होने के बाद गाइस हमारा इस फ़ोन का क्या हाल होगा। आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को भी ये दिख पाए। गाइस, चलिए फटाफट से इसमें आग लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, चलिए हम इसे जलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल का क्या हाल हो चुका है। गाइज, मोबाइल का एक जो है पार्ट यहाँ पे बिखरा हुआ है और गाइज एक जो पार्ट है यहाँ पे बिखरा हुआ है, गाइज आप लोग देख सकते हैं। और गाइज, इसके अंदर का जो सारा मैकेनिज्म है गाइज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल का दो पार्ट मिला हुआ है और गाइज एक पार्ट कहाँ है हम लोगों को अभी खोजना पड़ेगा। गाइज, यहाँ पे एक पार्ट रहा, ये देखिए आप लोग, इसके जो बैटरी का कवर होता है पीछे, ये मोबाइल का कवर यहाँ पे मिला हुआ है। और इसके अंदर का जो सारा बटन और सेटअप डिस्प्ले वगैरह है वो हमें नहीं मिला है अभी तक गाइज। फिलहाल हम लोग गाइज उसे खोजते हैं और देखते हैं कहाँ है। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है और गाइज इसके अंदर कुछ इस तरीके से निकला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, बिल्कुल भी गाइज जो है मोबाइल फ़ोन डैमेज नहीं हुआ है। केवल गाइज हमारा जो मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे जो जहाँ से जुड़ा रहता है इस तरीके से स्क्रू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये स्क्रू है यहाँ पे, और वही स्क्रू के यहाँ से गाइज हमारा जो मोबाइल फ़ोन है बिल्कुल आधा हुआ है। लेकिन गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्प्ले और गाइज पीछे का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। थोड़ा सा भी गाइज इसमें जो है डैमेज नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कितना पावर होता है। और गाइज, हमारा जो बुलेट बम का पावर है इस मोबाइल ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अपने अंदर झेल लिया गाइज, पावर को उसने, इस मोबाइल ने बुलेट बम के पावर को झेल लिया है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि इसका ये है मेन स्क्रीन जो कि फूटने के बाद वाइट कलर का हो गया है, और ये रहा हमारा डिस्प्ले और गाइज इसके सारा बटन है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।